हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रसगुल्ला, जो कि हर किसी को बहुत पसंद आता है। इस रसगुल्ला को बनाने का तरीका बहुत आसान है, तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि इस रसगुल्ला को हम बहुत ही आसानी से घर पर कैसे बना सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही रसगुल्ला बनाने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक शेयर किए हैं, जिसे फॉलो करके आप भी बिल्कुल ऐसे ही स्पॉन्जी डिलीशियस रसगुल्ला आसानी से बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको ईजी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। इतने रसगुल्ला को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर काऊ मिल्क। मैं पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश काऊ मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप बफेलो मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बफेलो मिल्क में फैट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप काऊ मिल्क का ही यूज़ करें। अब दूध को एक पतीले में डाल दें और मीडियम या हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने तक गर्म करें। दूध उबल गया है, स्टोव को बंद कर दें और अब हम दूध के बर्तन को गैस चूल्हे से हटा देंगे और एक तरफ रख देंगे। अब हम इस दूध से छेना तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच नींबू का रस, या आप इसके जगह पर सिरका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच पानी और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इस नींबू और पानी के मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालें और दूध को हल्का हल्का चलाएं। फिर से इसमें नींबू और पानी का मिक्सचर डाल दें और हल्के हाथों से चला लें। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूध फटना शुरू हो गया है, ये देखिए। लेकिन ये अभी पूरी तरह से नहीं फटा है, इसलिए हम इसमें नींबू और पानी का मिक्सचर और डालेंगे। दूध अभी भी पूरी तरह से नहीं फटा है, अब हम इसमें बाकी बचे मिक्सचर को भी डाल देंगे और हल्के हाथों से चला लेंगे। अब आप देख सकते हैं, दूध अच्छे से फट चुका है, छेना और पानी बिल्कुल अलग हो चुका है, ये देखिए। और जब पानी इस तरह से हल्का ग्रीन दिखने लगे, तो इसका मतलब है कि दूध अच्छे से फट चुका है। अब हम छेना को एक कपड़े से छानेंगे। इसके लिए हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे इस तरह का, और एक छन्नी लेंगे। अब इस छन्नी के ऊपर हम एक कपड़ा रख देंगे इस तरह से। अब छेना को हम इस कपड़े में डाल देंगे। छेना को कपड़े से छान लेने के बाद अब हम इसे पानी से धो लेंगे, ताकि नींबू का जो खट्टापन है वो छेना से निकल जाए। इसलिए इस प्रोसेस को अच्छे से करें, ताकि छेना में नींबू का खट्टापन या फ्लेवर ना रहे। छेना को अच्छे से धो लेने के बाद अब हम कपड़े को इस तरह से चारों तरफ से समेटकर पोटली की तरह बना लेंगे। और अब इसे 1 से 2 बार हल्के हाथों से स्क्वीज कर ले। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है। और अब हम इसे 1 घंटे के लिए नल के पास टांग कर छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद हम रसगुल्ला बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम 1 कप चीनी लेंगे और इसी कप से हम 5 कप पानी डाल देंगे। इस प्रोसेस को छेना के बॉल्स बनाने से पहले कर लेंगे, ताकि छेना के बॉल्स को बनाकर रखना ना पड़े। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच गुलाब जल डाल देंगे, या आप इसके जगह पर 2-3 इलायची डाल सकते हैं, या केवड़ा का जल डाल सकते हैं। इसे मिला लें और फ्लेम को धीमी कर दें, ताकि ये धीरे धीरे गर्म हो। जब तक चाशनी तैयार हो रही है, हम छेना के बॉल्स तैयार कर लेंगे। छेना को रखे हुए 1 घंटा हो गया है, अब हम इसे कपड़े से निकाल लेंगे। अब छेना को इस तरह से हल्के हाथों से क्रम्बल कर लें। छेना को बिल्कुल हल्के हाथों से ही मसल मसल कर हमें स्मूथ और सॉफ्ट कर लेना है। तो छेना को हम इस तरह से हथेली के इस पार्ट से दबाते हुए हल्के हाथों से मैश करेंगे लगभग 5 से 7 मिनट के लिए। छेना को 5 से 7 मिनट तक इस तरह से मसल लेने के बाद अब ये डो के फॉर्म में आ गया है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा। मैदा की जगह पर आप कॉर्नफ्लोर या सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे दोबारा से 5 से 7 मिनट के लिए हल्के हाथों से मसल लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और जब हम रसगुल्ला का बॉल तैयार करें तो बिल्कुल स्मूथ बॉल बने। छेना को मैश करते हुए पूरे 13-14 मिनट हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल स्मूथ डो की तरह तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब हम इससे छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे रसगुल्ला बनाने के लिए।
या आप अपने पसंद के साइज़ के बड़े या छोटे बॉल्स रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम छेना का बॉल्स तैयार करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे बॉल तैयार कर लेना है और बॉल्स में ध्यान रखें कि बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं हो। अगर आपको लगे कि बॉल में क्रैक्स है तो आप दोबारा से छेना को 1 से 2 मिनट के लिए मैश कर लें और मैश कर लेने के बाद एक बॉल बनाकर देखिए। अगर हथेली में चिकनाई आती है और बॉल्स में क्रैक्स नहीं आ रहे, इसका मतलब है छेना अच्छे से मैश हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से बाकी के छेने से भी रसगुल्ला के बॉल्स बनाकर रेडी कर लें। सारे बॉल्स अब रेडी हैं और इतने छेना में टोटल 12 बॉल्स बनकर रेडी हैं। अब हम इन बॉल्स को शुगर सिरप में पकाएंगे। इधर शुगर सिरप भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें सारे बॉल्स को जल्दी जल्दी डाल देंगे। सारे बॉल्स को डालने के बाद अब हम ढक्कन लगा देंगे और इस छोटे से होल को बंद कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकले। और अब हम इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये देखिए रसगुल्ला को पकते हुए अभी 5 मिनट हुए हैं और ये फूल का डबल हो गए हैं। अभी हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे। पूरे 10 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। अब हम ढक्कन हटा देंगे और सारे रसगुल्ला को बिल्कुल हल्के हाथों से पलट देंगे। ध्यान रहे कि इसे बिल्कुल हल्के हाथों से पलटना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। अब हम दोबारा से ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। रसगुल्ला को पकते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप उबलता हुआ पानी डालेंगे। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि चाशनी जो है पतली रहे, क्योंकि ये उबलते उबलते गाढ़ी हो जाती है। इसलिए हम इसमें पानी डालकर चाशनी को पतला करते हैं। अगर चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो रसगुल्ला स्पॉन्जी नहीं बनेगा, हार्ड हो जाएगा। अब हम इसे ढक देंगे और फिर से मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट तक और पका लेने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप उबलता हुआ पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। फ्रेंड्स, रसगुल्ला की जो चाशनी होती है वो जितनी ज़्यादा पतली होगी रसगुल्ला उतना ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि रसगुल्ला के चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा ना करें। अब इसे ढक दें, फ्लेम को मीडियम कर दें और 2 मिनट तक पकने दें। रसगुल्ला को पकते हुए 2 मिनट और हो चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे। साथ ही हम रसगुल्ला को इस तरह से हल्के हाथों से अलट पलट कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हमें अलट पलट करना है क्योंकि ये अभी बहुत सॉफ्ट है। रसगुल्ले को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे तुरंत बड़े और गहरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि रसगुल्ला रस में अच्छे से डूबा रहे और इसका शेप भी ख़राब ना हो। तो स्टोव को बंद कर दें और इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। रसगुल्ला को मैंने एक बड़े और गहरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इस रसगुल्ला को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने दें, इसे रेफ्रिजरेट ना करें, नहीं तो रसगुल्ला हार्ड हो जाएगा। अब इसे 4 से 5 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दें। तो लीजिए दोस्तों, डिलीशियस होममेड स्पॉन्जी रसगुल्ला अब बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। सो फ्रेंड्स, बताए गए सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी हेल्पफुल लगे, ईजी लगे तो इस वीडियो को नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर क्लिक करें और इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। और ऐसी ढेरों मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।